सो दोस्तों, आपने नारुतो सीज़न फर्स्ट देखा ही होगा, और जहाँ पर नारुतो का फर्स्ट एपिसोड हमने सोनी ऐप पर देखा। बट क्या आपको पता है कि नारुतो के जो फर्स्ट एपिसोड में हमें बहुत सारे राज है वो दिखाए गए थे। सो आज हम इस पर ही बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते, जहाँ पर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नारुतो पकड़ा जाता है, वो पेंटिंग करता है वगैरह वगैरह उन लॉर्ड होकागे के मुँह पर, और तभी वो पकड़ा जाता है और फिर उसे इरुका सेंसे पकड़ कर लाते क्लास पर, और फिर से उनको जो क्लोन जोत्सुयो करवाने को मांगते। और उस वक्त हमें पता चला कि नारुतो जो है वो डफर है और एकदम मतलब पढ़ाई में कमज़ोर, या फिर तुम जो भी बोल सकते हो, वो बहुत ही कमज़ोर है उन टेस्ट में। फिर हमें पता चलता है कि सब क्लास उसे हेट करती है। बट उस क्लास में एक ऐसा भी बंदी थी, या फिर आप बोल सकते हो लड़की थी, जो नारुतो को पसंद करती थी, और आप उसका नाम भी जानते हो कि हिनाता। तो दोस्तों, फैक्ट नंबर सेकंड, जहाँ पर स्टार्टिंग में हमें नाइन टेल फॉक्स इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और हमें उनके इंट्रोड्यूस में पता चलता है कि नाइन टेल फॉक्स जो रहती वो अचानक प्रकट हो चुकी थी, और उसे बचाने के लिए हमें फोर्थ ओकागे का मतलब इंट्रोडक्शन दिया था स्टार्ट में ही। सो फर्स्ट मिस्ट्री यहाँ पर बनती है कि जो फोर्थ ओकागे वो आखिर है कौन, और आगे चलकर हमें पता भी चलता है। बट आप सीरीज का मज़ा लीजिए, मैं मज़ा किरकिरा नहीं करूँगा। सो नंबर थर्ड पर आते हैं इरुका सेंसे। सो हमें फर्स्ट एपिसोड में कुछ इरुका सेंसे का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर इरुका सेंसे जो रहते और नारुतो के एज के रहते, या फिर उससे कम एज के होंगे, आप देखा होगा। और उनके फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि नाइन टेल फॉक्स ने इरुका सेंसे के जो माँ बाप रहते उनको ख़त्म कर दिया था, यानी कि मार दिया था। एंड एज इट इज़ लास्ट हमें पता ही चलता है कि आखिर नारुतो कितना अकेला होगा, कि उसका कोई माँ बाप नहीं है, और ऐसे इरुका सेंसे थे। एंड लास्ट इज हमें पता चलता है कि नारुतो जब वो स्क्रोल चुरा कर ले जाता है, हाँ बल्कि उसका रीज़न कुछ अलग था, हमें फर्स्ट एपिसोड में ही पता चला। और जब वो स्क्रोल वो चुरा कर ले जाता है एज इट इज़, जैसा एनिमे स्टोरी आगे बढ़ती है, और हमें पता चलता है कि नारुतो जो है उससे मेहनत कर शैडो क्लोन जोत्सु जो है परफेक्ट तरह से मास्टर कर लेता है। बट नारुतो जो रहता है वो गलत तरह से ये सब करता है, और इस वजह से उसको सज़ा नहीं मिलती, बल्कि उसे एक फिर से ग्रेजुएट होने का मौका मिलता है। एंड रियली काकाशी सेंसे से तो इरुका सेंसे ज़रा अच्छे ही लगे स्टार्ट में, और आपको कैसे लगे चारों फैक्ट्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और नारुतो से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सॉरी फॉर वॉइस, क्योंकि मैं हॉस्टल में हूँ और आपको पता होना चाहिए हॉस्टल का जो मतलब कैसा रहता है। सो प्लीज़ आप मुझे सेक्रीफाइस कीजिए, मैं भी आपको सेक्रीफाइस करता हूँ, और सॉरी मेरी वॉइस ज़रा अजीब आ रही होंगी क्योंकि मैं बाहर हूँ। सो सॉरी, और मैं अच्छी वीडियो करने की ट्राई करूँगा और अच्छे अच्छे कंटेंट दूँगा, तो प्लीज़ आप सपोर्ट कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।